गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्रत। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी इसके पहले हम 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक अभी यहाँ पर नहीं देखे हैं तो आप MP वर्ग 3 की प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्रत। व्रत को हम बोलते हैं सर्किल। व्रत क्या कहलाता है? कुछ इस तरह से आकृति बनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्रत, या इंग्लिश में कहें तो हम इसको कहते हैं सर्किल। इसमें जो सबसे बीच में बिंदु होता है उसको बोला जाता है व्रत का केंद्र। मान लीजिए ये आपका ओ है, तो इस ओ को हम क्या बोलते हैं? व्रत का केंद्र, सेंटर। ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। इसके अलावा ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको चारों तरफ, इसको बोला जाता है व्रत की परिधि। ये जो पूरी लंबाई होती है व्रत की चारों ओर की, इसको बोला जाता है व्रत की परिधि, पैरामीटर। परिमाप भी हम बोल सकते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं। तो ये जो पूरी लंबाई है ये क्या कहलाती है? व्रत की परिधि। और व्रत की जो परिधि होती है उसका मान होता है 2πr। 2πr, पाई का जो वैल्यू होता है आपका, पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7 या 3.1416। तो ये आपको याद रखना है। पाई क्या कहलाता है वो अभी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद r, r क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी। ये केंद्र है आपका और ये परिधि है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी आपकी, इसको क्या बोला जाएगा? इस दूरी को बोला जाता है त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल r। त्रिज्या को दर्शाया जाता है स्मॉल r से। ये पूरा कहलाता है आपका, जो पूरी लंबाई है चारों ओर की गोलाकार, इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहां पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.1416। इसके बाद ये ओ कहलाता है केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं? आर से। तो अगर हम देखें तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये त्रिज्या हुई। और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। और मान के चलिए यहां पर हम एक केंद्र से परिधि तक की दूरी ले लें, ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या। तो कोई वृत्त जो है उसमें अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, और सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर। एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सभी बराबर होंगी, यानी कि ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, और इसके अलावा भी हम जितनी त्रिज्याएं लेंगे वो सभी आपकी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से ये जो परिधि है उसकी दूरी कहलाती है त्रिज्या, और जो केंद्र होता है वो परिधि के प्रत्येक बिंदु से बिल्कुल एक समान दूरी पर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। त्रिज्या के बाद व्यास। तो ये था आपका वृत्त का केंद्र, जिसको हमने ओ नाम दिया था, और ये हमने खींची थी त्रिज्या। ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। इसके बाद व्यास क्या कहलाता है? व्यास को समझने से पहले हम थोड़ा जीवा को समझ लेते हैं। जीवा क्या कहलाती है? इस तरह से हमने कोई रेखा खींच दी, या फिर हमने इस तरह से कोई रेखा खींच दी, तो यह क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। यानी कि ऐसी रेखा जो वृत्त पर दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, दो बिंदुओं से होकर जाती है। एक बिंदु ये हो गया, मान के चलिए ये आपका ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, मान के चलिए ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? जीवा। तो ए बी क्या है? एक जीवा है। और सी डी भी क्या है? एक जीवा है। इसके अलावा वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसको हम बोलते हैं व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां पर होगी? बिल्कुल केंद्र से होके जाने वाली रेखा, ये मान के चलिए है एम एन। ठीक है, तो एम से एन तक की ये दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास। इसको क्या बोला जाएगा? वृत्त का व्यास। व्यास कौन है? एम एन।
व्यास की परिभाषा एक बार दोबारा समझ लें। व्यास की जो परिभाषा है वो ये है कि वो सबसे पहली बात तो केंद्र से होकर जाता है और वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो एक भाग आपका वृत्त का ये हो गया इतना, और दूसरा भाग आपका वृत्त का ये हो गया इतना, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, केंद्र से होकर जाता है व्यास और वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसके अलावा ये जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। त्रिज्या ये है आपकी इतनी, यहां से लेकर यहां तक ये है आपकी त्रिज्या। तो ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है। तो ये आर है, तो ये वाला मान भी क्या होगा, आर, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो आर ये हुआ, आर ये हुआ, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो आर। त्रिज्या थी आपकी आर और ये पूरा व्यास हो गया दो आर, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कैसा होता है, दो गुना होता है। व्यास बराबर दो गुणा त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। तो व्यास होता है त्रिज्या का दो गुना, तो त्रिज्या कैसी हुई, व्यास की आधी, यानी कि त्रिज्या बराबर हुआ व्यास बटे दो। कहने का मतलब है कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मान के चलिए त्रिज्या कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा, व्यास को हम d से दर्शा सकते हैं, तो व्यास उसका कितना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास कहलाएगा ये, यहां से पूरी यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, व्यास। तो ये आपका 3 है तो ये भी आपका 3 होगा, क्योंकि यहां पर केंद्र है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कभी भी हमें व्यास निकालना हो तो हम त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, यदि हमें व्यास दिया गया त्रिज्या निकालना हो तो हम आधा कर देंगे। मान के चलिए हमें व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 में 2 का भाग करेंगे कितना मिलेगा हमें, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाती है आपकी, त्रिज्या और व्यास। जीवा पे हम बात कर रहे थे, ये डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं जीवा को समझने के लिए। ये हमारा व्रत है, ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। तो मान लीजिए ये आपकी जीवा है ए बी और ये आपकी जीवा है सी डी। ठीक है, जीवा क्या कहलाती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है या स्पर्श करती है। तो एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, तो ए बी क्या कहलाएगी, यहां पर वृत्त की जीवा, और सी डी भी क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा। ठीक है, इसके अलावा जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, मान लीजिए आपका वृत्त का केंद्र ओ है, इससे होके जो जीवा जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो जीवा है ए बी, ये वाली जो जीवा है सी डी, और मान लीजिए ये आपकी जीवा है एम एन, तो इनमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी जीवा है, एम एन, क्योंकि ये बीच से होके जा रही है, केंद्र से होके जा रही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होके जाती है, केंद्र से होके, और केंद्र से होके जाने वाली जो रेखा होती है वो व्यास भी कहलाती है, तो एम एन व्यास भी कहलाएगा, एम एन व्यास भी है और एम एन जीवा भी है, और कैसी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। तो इसका मतलब ये हुआ वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसी को हम व्यास कहते हैं। एम एन जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो और ये केंद्र से होके भी जा रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका वृत्त का केंद्र ओ है, इसमें अगर हम बात करें चाप की, चाप क्या कहलाता है, वृत्त का कोई भी भाग उसका चाप कहलाता है, वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है। जैसे मान के चलिए यह है यहां पर ए, ये है यहां पर बी और यह है पी, तो इस ए पी बी ये एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, चाप ए बी, इसको हम चाप ए बी बोलते हैं, या अगर हमें संकेत के रूप में लिखना है तो हम इसको कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं, चाप का ये चिन्ह होता है ऊपर, हम इस तरह से आकृति बना देते हैं, इसका मतलब है चाप। तो चाप क्या कहलाता है, वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाता है, चाप। अब चाप होते हैं दो प्रकार के, एक होता है लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। तो ये जो वाला जो चाप है, ये छोटा वाला भाग, तो इसको बोला जाता है लघु चाप, इसको क्या बोला जाएगा, लघु चाप। ठीक है,
और यहाँ से ये भाग जो ये ऐसा जा रहा है, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाता है आपका? दीर्घचाप। दीर्घ यानी बड़ा और लघु यानी छोटा, तो ये चाप होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की और त्रिज्यखंड की। तो पहले हम वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। वृत्तखंड क्या कहलाता है? वृत्त का कोई खंड या भाग वृत्तखंड कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। अब वृत्तखंड वृत्त के किसी चाप और उसकी जीवा के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? वृत्तखंड। वृत्त के किसी चाप, ये है वृत्त का चाप, ये क्या है? वृत्त का चाप और उसकी संगत जीवा, ये है संगत जीवा, ठीक है। वृत्त के चाप और उसकी संगत जीवा के बीच का भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो ये है संगत जीवा, ठीक है, और ये है चाप, तो ये भी वृत्तखंड है, और ये संगत जीवा और ये भी चाप है, दीर्घचाप, तो ये भी वृत्तखंड। ऊपर वाला भी वृत्तखंड है और नीचे वाला भी वृत्त का खंड है, लेकिन नीचे वाला छोटा है तो इसको बोला जाता है लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोला जाता है? लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा भाग है तो इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ वृत्तखंड। एक बार दोबारा डेफिनेशन समझ लें वृत्तखंड की। वृत्त की, वृत्त के किसी चाप, वृत्त के किसी चाप और उसकी संगत जीवा द्वारा जो भाग घेरा जाता है उसको बोला जाता है वृत्तखंड। तो वृत्त की कोई जीवा ले ली और उसका लघु चाप, लघु चाप और जीवा के बीच का भाग लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और दीर्घ चाप और जीवा के बीच का भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड क्या होता है वो हम समझेंगे। त्रिज्य मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का हिस्सा, खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। जैसे कि ये है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप, वृत्त के संगत चाप और दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड। मान लीजिए एक त्रिज्या ये है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और एक दूसरी त्रिज्या ये है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या, और इसके संगत चाप है आपका ये इतना, ठीक है। तो इस पूरे भाग को क्या बोला जाएगा? त्रिज्यखंड। और ये छोटा भाग है, ये चाप लघु चाप है, लघु चाप और दो संगत त्रिज्याओं के बीच का भाग है तो इसको त्रिज्यखंड तो बोला जाएगा, लेकिन कौन सा त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। अगर हम बात करें दीर्घ त्रिज्यखंड की, तो जैसे कि फिर से हम यही डायग्राम बना लेते हैं, एक त्रिज्या ये है और एक दूसरी त्रिज्या ये है, तो दो त्रिज्याओं और उसके संगत दीर्घ चाप, दीर्घ चाप कौन होगा आपका? ये वाला चाप, यहां से जाएंगे आप ऐसा ऐसा और यहां तक आएंगे, ये चाप कहलाता है दीर्घ चाप। इनके बीच का जो भाग होता है यानी कि ये पूरा भाग आपका, ये कौन सा त्रिज्यखंड कहलाएगा आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अगर दो त्रिज्याएं लेते हैं और संगत लघु चाप लेते हैं तो लघु त्रिज्यखंड होता है, और संगत दो त्रिज्याओं के दीर्घ चाप लेते हैं तो वो कौन सा त्रिज्यखंड होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं छेदक रेखा और स्पर्श रेखा की। इस लेक्चर में हम केवल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वृत्त से संबंधित। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है जिससे कि क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकें। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की, और इसके साथ ही हम बात करते हैं छेदक रेखा की। स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना। तो अगर कोई रेखा वृत्त को केवल स्पर्श करती है, और कितनी जगह स्पर्श करती है? एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, एक ही बिंदु पर कोई रेखा वृत्त को छूती है तो उस रेखा को क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। जैसे कि मान के चलिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और यहां से होके एक ऐसी रेखा जा रही है जो केवल वृत्त को एक स्पर्श कर रही है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये रेखा है आपकी ए बी, तो इस रेखा को क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा बोला जाएगा।
क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये जो ए बी रेखा है वो वृत्त को केवल स्पर्श कर रही है, अंदर नहीं जा रही है, केवल छू रही है और एक ही बिंदु पर छू रही है। स्पर्श रेखा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। तो ए बी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। और यहाँ पर हम एक बात और बता दें आप लोगों को कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या। तो ये हुई आपकी त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। मतलब कि यहाँ आपका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर झुका होना। और भी तरीके से हम स्पर्श रेखा बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये बना दिया वृत्त, वृत्त का केंद्र ओ हो गया और हमने ये खींच दी एक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका यहाँ पर P बिंदु, ठीक है, और ये है आपका A बिंदु। तो पी ए क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी? लंब। त्रिज्या कौन कहलाती? केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये हो गई आपकी त्रिज्या। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। मान लीजिए हम एक और स्पर्श रेखा यहाँ से ले लेते हैं नीचे की ओर, ठीक है। ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा है, इसको हमने नाम दे दिया पी बी, ठीक है। ये भी त्रिज्या पर लंब होगी। तो यहाँ पर हम केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती? त्रिज्या। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर ये लंब होगी, मतलब कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त को और वो त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। साथ ही अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बिंदु P से हमने एक स्पर्श रेखा खींची पी ए और बिंदु P से एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची पी बी। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? बराबर, यानी कि पी ए बराबर कितना होगा? पी बी। और दो से ज़्यादा हम स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं एक बिंदु से, केवल हम एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके अलावा जो स्पर्श रेखाएं होती हैं किसी वृत्त पर, स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है। हम किसी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि हम एक स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच सकते हैं, एक यहाँ भी खींच सकते हैं, एक यहाँ भी खींच सकते हैं, ऐसे ही यहाँ भी। तो हम जितना चाहें उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम समांतर स्पर्श रेखाओं की बात करें तो एक वृत्त में हम केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कि अगर हमने वृत्त बना दिया है, ये है वृत्त का केंद्र ओ, तो हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची कुछ इस तरह से और एक स्पर्श रेखा हमने नीचे की ओर खींची कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं अगर समांतर हैं तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं वृत्त की? केवल दो। मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। तो ए बी समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है सी डी, ए बी समांतर सी डी है, मतलब कि एक वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं छेदक रेखा की। छेदक रेखा, छेदक का मतलब होता है छेद कर देना। तो अगर कोई रेखा वृत्त को छेदते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको बोला जाता है छेदक रेखा। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक रेखा खींच दी, तो ये वृत्त को छेदते हुए अंदर की ओर प्रवेश कर गई है, तो इसको क्या बोला जाएगा? छेदक रेखा। जो स्पर्श रेखा होती है वो अंदर प्रवेश नहीं करती है, वो केवल स्पर्श करती है, वो भी एक ही बिंदु पर। छेदक रेखा जो है वो छेदते हुए वृत्त के अंदर प्रवेश करती है और इसके अलावा ये वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक यहाँ पर स्पर्श किया उसने वृत्त को और एक यहाँ पर स्पर्श किया। तो छेदक रेखा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है उसको क्या बोला जाता है? छेदक रेखा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रेखा हो गई? छेदक रेखा। ये जैसे कि हमने ये एक रेखा खींच दी, यहाँ पर वृत्त का केंद्र ओ है, तो ये रेखा भी छेदक रेखा है क्योंकि ये दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है और एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है। तो इसको क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और जो छेदक रेखा है
उससे संबंधित एक सूत्र होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये आपका वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर P, यहाँ पर A, यहाँ पर B और ये आपका यहाँ पे है एक बिंदु T, ठीक है। कुछ इस तरह से ये है T। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो है रेखा वो छेदक रेखा है और ये जो रेखा है वो स्पर्श रेखा है। ये कौन सी रेखा है आपकी? स्पर्श रेखा। और ये वाली जो रेखा है आपकी वो कौन सी रेखा है? छेदक रेखा, क्योंकि ये छेदते हुए अंदर प्रवेश कर रही है, दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ए और बी पर। ये पीटी केवल स्पर्श कर रही है बिंदु टी पर, तो ये स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है। तो इससे संबंधित एक सूत्र होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, इस सूत्र को आपको याद रखना है। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से संबंधित ये हमारा एक सूत्र है। चलिए अब वृत्त से संबंधित कुछ गुण प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वृत्त के गुण। तो सबसे पहली बात तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या कहलाती है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इसके अलावा वृत्त का जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। वृत्त की पूरी लंबाई क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है, जो कि होती है कितनी? 2πr। यहां पाई क्या कहलाता है? पाई कहलाता है वृत्त की जो वृत्त का जो पाई का मतलब होता है, पाई का डेफिनेशन ये है, वृत्त की परिधि और उसका जो व्यास है उसका अनुपात क्या कहलाता है? पाई। वृत्त की परिधि और उसका जो व्यास है उसका अनुपात क्या कहलाता है? पाई, ठीक है। इसके बाद बात करें हम अगर तो जो वृत्त है उसमें केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त का केंद्र ये है और ये जीवा है। मान लीजिए ये जीवा है आपकी ए बी। ये बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा है आपका ए बी और वृत्त का केंद्र है ओ, तो केंद्र से हम जीवा पर एक लंब डाल रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर ये लंब डाला गया है तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है दो समान भागों में बांटता है। किसको? जीवा को। तो जीवा ए बी थी वो दो समान भागों में बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है? एम। तो जितना ए एम होगा उतना ही आपका एम बी होगा। मान लीजिए पूरी जीवा आपकी 8 सेंटीमीटर की थी पहले, तो अगर हमने केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया है तो ये दो समान भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि 8 जो है वो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे। और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जिसमें ये कहलाएगा आपका कर्ण, ये कहलाएगा आपका लंब और ये कहलाएगा आपका आधार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जो लंब है वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। आगे बात करते हैं कुछ और गुणों पे। अगर वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। मान लीजिए एक ये जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है और यहां पर बीचों बीच है केंद्र ओ। केंद्र से जितनी दूरी पे ए बी है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो अगर दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो वो जीवाएं परस्पर बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर होगा किसके? सी डी के। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट है, अगर दो जीवाएं बराबर हैं, दो जीवाएं कैसी हैं? बराबर हैं, तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी, ठीक है। यानी कि यहां से इस वाली जीवा से केंद्र की दूरी और इस वाली जीवा से केंद्र की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। नेक्स्ट,
संकेंद्रीय वृत्त। सम यानी समान, केंद्रीय मतलब केंद्र। अगर दो या दो से ज्यादा व्रत हैं और उनका केंद्र एक ही है तो इस प्रकार के व्रतों को क्या बोला जाता है? संकेंद्रीय व्रत। मान लीजिए एक केंद्र ओ है, इससे होकर एक व्रत ये खींचा जाता है और इसी के ऊपर एक व्रत ये खींचा जाता है। तो केंद्र इस वाले त्रिभुज का भी केंद्र ओ है, इस वाले व्रत का केंद्र भी ओ है और इस बड़े वाले व्रत का केंद्र भी क्या है? ओ है। तो दोनों व्रतों का केंद्र एक ही है तो इस प्रकार के व्रतों को क्या बोला जाता है? संकेंद्रीय व्रत। जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2011 में वर्ग तीन का, उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर दो संकेंद्रीय व्रत हैं तो उनकी और जो अंदर वाला व्रत है उसकी त्रिज्या आर वन है और बाहर वाले व्रत की त्रिज्या आर टू है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, आर वन बराबर आर टू, आर वन बड़ा है आर टू से, आर वन छोटा है आर टू से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये छोटा वाला व्रत अंदर वाला व्रत है, इसकी त्रिज्या आर वन है और बड़ा वाला जो व्रत है उसकी त्रिज्या आर टू है, तो इसके लिए क्या सत्य होगा? कि जो R2 है वो बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? R2। देख पा रहे हैं आप कि केंद्र से ये जो R2 है वो परिधि से ज्यादा दूरी पर है तो R2 बड़ा होगा। वो R1 की लाइन छोटी है तो R1 कैसा होगा? छोटा। यानी कि R1 जो है वो छोटा है, ये छोटा का चिन्ह होता है, तो R1 छोटा है किससे? R2 से। तो ये वाला ऑप्शन हमारा उसमें करेक्ट आंसर था। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, संकेंद्रीय वृत्त है तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र से समान समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो समान जीवाएं हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। इसके अलावा वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये गुण इसकी वृत्त की। कोई वृत्त है तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, केंद्र पर बनाया गया कोण उसकी परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। तो जैसे कि अगर यहां पर कुछ ऐसी स्थिति है कि मान के चलिए यहां पर कुछ आकृति बनी हुई है इस तरह से, और ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र द्वारा जो कोण बनाया जाता है तो यहां पर जो कोण बनेगा वो वृत्त की परिधि पर, परिधि के किसी बिंदु पर, तो परिधि का एक बिंदु यहां पर है मान लीजिए P है, तो यहां पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। मतलब केंद्र का कोण दोगुना होता है और परिधि के बिंदु पर जो कोण बनता है वो कैसा होता है? आधा। मान के चलिए यहां का कोण आपका 120 डिग्री है तो परिधि पर स्थित बिंदु P का कोण कितना हो जाएगा? आपका 60 डिग्री। नॉर्मल सा सीक्वेंस ये है, आपको केवल इतना याद रखना है कि केंद्र पर बना कोण दोगुना होता है और परिधि के बिंदु पर बना कोण आधा होता है। यहां पर अगर 80 है तो यहां पर 40 हो जाएगा, यहां पर 120 है तो यहां पर 60 हो जाएगा, यहां पर अगर 100 होता तो यहां पर 50 हो जाता। इसका अपोजिट देख लें, अगर हमें यहां का कोण दिया गया परिधि का तो केंद्र का दोगुना हो जाएगा। मान के चलिए यहां का कोण 50 डिग्री है और केंद्र का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि केंद्र का कोण दोगुना होता है और परिधि के बिंदु का कोण कैसा होता है? आधा होता है। तो अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ 40 होता तो यहाँ 80 हो जाता, यहाँ 60 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता? आपका 120 हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। वृत्त से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। शुभरात्रि।